हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? फ्रेंड्स, आज के टाइम में कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए? फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ऐसा शॉपिंग वेबसाइट है जो आपका नुकसान करा सकता है? तो फ्रेंड्स, फुल जानकारी मैं देने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, साथ ही साथ मेसो को एक्सपोज करने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते में से किसी एक वेबसाइट के अंदर करते होंगे तो उस टाइम में आप फ्लिपकार्ट का भी यूज करते हैं, कभी कभी आप अमेजोन यूज करें, या कभी कभी बोलिए आप मेसो यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में आपको अगर कोई परेशान कर रहा है टीवी के अंदर, लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मेसो से कोई अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस टाइम में आपके साथ कुछ इस तरह का चीज भी हो सकता है। मैं ये वीडियो नहीं बनाता क्योंकि अगर एक बार होता मैं नहीं बनाता, मेरे साथ दो बार हो चुका है कि मेसो से मैं एक प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे और उसके बाद कुछ इस तरह का चीज़ हमको झेलना पड़ रहा है आज के टाइम में, इस इंटरनेट के ज़माने में, फर्स्ट डिलीवरी टाइम में। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट कैसा है, अमेजोन कैसा है और मेसो कैसा है, कैसा उनका सर्विस है और किस तरह का बातचीत हुआ है फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, साथ ही साथ मेसो का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। आज का वीडियो एंड तक देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, कुछ इस तरह का टेक वीडियो, क्रिएटर बेसिस वीडियो, साथ ही साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो में डेली आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। इस टाइम में तो मेसो हम लोगों को परेशान कर रहा है टीवी के अंदर, साथ ही साथ हम लोग मेसो के अंदर क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा सेलर कुछ इस तरह का प्राइस वहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहा है और कुछ ऐसा प्राइस दिखा रहा है, कस्टमर लालच के वजह से उसके अंदर दौड़ रहा है। साथ ही साथ मेसो एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाया है जहाँ पे सभी सेलर को कैप्चर करने के लिए लगे हुए हैं, प्लेटफॉर्म के अंदर एडवर्टाइजमेंट डालता है अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो इस टाइम में अमेजोन का भी पर्सनल सेलर है, साथ साथ फ्लिपकार्ट का भी है, मेसो का भी है। तो इस टाइम पे जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं किसी भी टाइम खरीद सकते होंगे, नाइट में आप खरीद सकते होंगे, साथ साथ दिन में, या आपको इमरजेंसी कुछ मेडिकल किट आपको चाहिए, आपको कहीं पे जाना है, इस डेट में आपका फ्लाइट है या ट्रेन है, तो उस टाइम में आपको उस डेट के अनुसार आपको वो प्रोडक्ट डिलीवरी चाहिए, बट आप लालच के वजह से प्रोडक्ट को मेसो से यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या आप जानते हैं? वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं मेसो के अंदर एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किए थे, आप अभी के टाइम में स्क्रीन रिकॉर्ड देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं 27 अगस्त को मेसो से एक प्रोडक्ट खरीदा था और आज के डेट में अगर आप डेट का बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज का डेट है 6 तारीख। ना मेरे पास आउट ऑफ डिलीवरी का कोई भी इंफॉर्मेशन है, ना मेरे पास जो डिलीवरी मैन है वो डिलीवरी मैन कॉल किया, ना मेरे साथ कुरियर अभी तक हमसे कॉन्टेक्ट किया, बट मेरा जो डिलीवरी डेट था काफ़ी पहले था, मेरा जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है वो पहले था 3 तारीख, और ऑर्डर का जो मेरा एक्सेप्टेड जो मेरा डेट था वो था मेरा 3-4 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर कब किया था, 28 तारीख को, 3-4 तारीख मेरा डिलीवरी का बात था, बट वो प्रोडक्ट मेरे पास ना कॉल आया, ना SMS आया, ना डिलीवरी मैन हमको कॉल किया, वो प्रोडक्ट कैंसिल होके चला गया। मतलब और यहाँ पे क्या दिखा रहा है फीडबैक के अंदर कि कस्टमर को नहीं मिला, बट मेरे पास ना कॉल आया ना SMS आया, उसके रिलेटेड मैं कंप्लेंट भी डाली थी मेसो के अंदर, उस टाइम में कुछ हुआ नहीं, मैं भूल गया, चलो ऑर्डर किया था, चलो ख़त्म करो उसको। नेक्स्ट टाइम, करेंट टाइम में बता रहा हूँ, मैं आज से कुछ दिन पहले एक ऑर्डर किया था, सेम इस बार भी वो ऑर्डर एक्सप्रेस ब्रिज को किया है, जो कुरियर वो प्रोडक्ट मेरे पास ला रहा है वो है एक्सप्रेस ब्रिज, पहले बार भी जो था वो भी एक्सप्रेस ब्रिज का ही था, और जो डाटा अभी के टाइम में आपके सामने शो हो रहा है एक्सप्रेस ब्रिज का ओल्ड वाला जो ऑर्डर है, और ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ न्यू वाला जो ऑर्डर है, जो एक्सप्रेस ब्रिज जो कह रहा है यहाँ। मैं दिन भर वेट किया, वेट करने के बाद जब शाम को मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट तो आज मेरे पास आ जाना चाहिए था, शाम को हमको कहीं पे जाना है, या मेरा ट्रेन का टिकट है या मेरा फ्लाइट है, बट वो प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं आया है, तो इस टाइम में आपको कैसा लगेगा? कुछ इस तरह का चीज़ ही मेरे साथ हुआ है, और उसी टाइम में मैं कॉल करने का कोशिश किया मेसो को, बट वहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ हमको देखने को मिला। इतना बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट है, दिन भर टीवी पे परेशान किया जा रहा है, इंटरनेट में परेशान किया जा रहा है, बट उसका सर्विस ये क्या है? और एक्सप्रेस ब्रिज को जब भी कोई प्रोडक्ट सेंड करता है इस तरह का ही डिले होता है, एक्सेप्टेड डिलीवरी कुछ टाइम अलग दिखाता है और
वो टाइम पार करके मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं आता है। कुछ इस तरह का चीज ही मेरे साथ हुआ है। और उसी टाइम में मैं अलग दो जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जैसा फ्लिपकार्ट और अमेजोन, मैं उस दोनों ब्रांड के अंदर कॉल किया और कॉल करके मैं वहां से फीडबैक ली कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं। अच्छा मैम, कस्टमर सपोर्ट क्या 24 आवर्स अवेलेबल? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। मैडम आप, आपका शुभ नाम कौन बोल रहे हैं? मोमिता। इनटू 365 डेज? यस यस, 24/7 सर्विस है सर। दिन का कौन सी भी समय पे आप जो है कोई भी इशू रहता है तो आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से जो है कनेक्ट कर सकते हो। जी जी ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई सहायता कर सकते हो सर? नो नो नो, थैंक यू सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ सर? क्योंकि मेरा नाम इमरान है। इमरान जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय 1 मिनट से कम है। लोगों का कस्टमर सर्विस अभी के टाइम में चालू है? जी जी सर, जी जी, अमेजोन से हमारा तो चालू ही है, तभी तो सर आपने कॉल कर पाए। अब सर हमारा तो 24 घंटे चालू रहता है। 24 घंटे चालू रहता है अमेजोन कस्टमर केयर? जी सर, जी सर, जी सर, 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है। तो आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम शशपुत। अगर आप लोग कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं किस तरह से दे रहे हैं, और कोई भी अगर इशू हो, कस्टमर को इशू कभी भी हो सकता है, नाइट में कोई डिनर करके उसके बाद बिस्तर पे कुछ ऑर्डर कर सकता है, तो उस टाइम में उसका पेमेंट अटक गया। मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, पेमेंट अटक गया, पैसा उनका बैंक से काट लिया गया बट यहाँ पे फेल्ड कर दिया गया, तो उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में आदमी मान लीजिए 200-300 का प्रोडक्ट खरीद रहे, चलो ठीक है नेक्स्ट सुबह कॉल कर लेंगे। मान लीजिए आपको कुछ मोबाइल या लैपटॉप वगैरह या कुछ टीवी आपको पसंद आ गया, रात में आप ऑर्डर किए उस टाइम में, तो वो प्रोडक्ट, वो जो पैसा आपका अकाउंट से काट लिया गया, उस टाइम में आपका बातचीत भी नहीं हो रहा है मेसो में। आप मेसो में क्यों गए? वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस लो है, आप इसके लिए वहाँ पे गए, बट पहले आपको लालच दिखाया, उसके बाद पर्सनल उनका दुकान में टाना, और उसके बाद आपसे पैसा लेके प्रोडक्ट भी सलाह नहीं छोड़ रहा है। तो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है मेसो अभी के टाइम में। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अलग अलग दुकान जिस तरह से हम लोग ढूंढते हैं मार्केट में जाके, और अभी के टाइम में इंटरनेट में कुछ ऐसा ही चीज़ कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनेट में आके अलग अलग दुकान ढूंढ रहे हैं। फ्लिपकार्ट भी एक दुकान है, अमेजोन भी एक दुकान है, साथ ही साथ मेसो भी एक दुकान है, और भी बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है 24 आवर्स एंड होम डिलीवरी। हमको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा मेरा घर में, मतलब मेरे हाथ में चला आएगा, साथ साथ टाइम भी कम लगे और ऑफर भी हमको नया नया मिले। आप बताइए कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करिएगा किससे करना पसंद करिएगा? क्या जिससे 24 आवर सपोर्ट मिले, साथ साथ प्राइस थोड़ा सा कम अप एंड डाउन हो सकता है, उसमें पसंद करिएगा, या नहीं ये वाला में जो आपको 24 आवर सपोर्ट तो नहीं करता है बट साथ ही साथ आपको प्राइस में कम देता है, ऑफर आपको देता है ज़्यादा, और इस तरह का डिलीवरी का झमेला आपको झेलना पड़ेगा, तो आप किस में जाना पसंद करिएगा हमको कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन का अगर बात करें, ये दोनों ब्रांड का ही पर्सनल कुरियर सपोर्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट भेजता है फ्लिपकार्ट ई कार्ट के थ्रू भेजता है, ई कार्ट फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है। साथ ही साथ अगर अमेजोन का बात करें, यहाँ पे अमेजोन जो प्रोडक्ट आपको भेज रहा है डायरेक्ट आपका होम में, मतलब होम डिलीवरी कर रहा है, वो भी पर्सनल अमेजोन एक्सप्रेस से कर रहा है, तो इस टाइम में आप किस में शॉपिंग करना पसंद करिएगा? ये 24 आवर वाला सपोर्ट ई कॉमर्स के अंदर, या यहाँ पे 7 बजे तक ई कॉमर्स के अंदर जिसके अंदर प्राइस थोड़ा कम है और अलग अलग चारा डाल के हम लोगों को टान रहा है और दिन भर टीवी में और इंटरनेट में परेशान कर रहा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर किया, जो कुछ भी कॉल वगैरह था वो सारा कॉल मैं आप लोगों को सुनाया, आपको कैसा लगा और आप अभी के टाइम में किसको चुनिएगा हमको जरूर बताइएगा। ये वीडियो मैं किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे छोटा करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं मेरा जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मेरा व्यूअर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। मैं कुछ इस तरह का टेक वीडियो, क्रिएटर बेसिस वीडियो, साथ ही साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम अ ट्रेडिंग प्रियो।